नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 13th मैच के बारे में, जो कि आज शाम को 7:30 बजे शुरू होगी, 7 बजे टॉस होगी। और इस मैच की पूरी जानकारी, पूरी एनालिसिस आप सभी के साथ लेकर के आ चुका हूं। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में ड्रीम इलेवन की टिप्स और साथ ही साथ मैच और टॉस प्रेडिक्शंस भी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इस समय पॉइंट्स टेबल पे क्या हालात है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पॉइंट्स टेबल की रेस में नंबर 1 पे मुल्तान की टीम है, नंबर 2 पे क्वेटा की टीम है, नंबर 3 पे कराची, नंबर 4 पे पेजावर जालमी, नंबर 5 पे इस्लामाबाद और नंबर 6 पे लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर इकलौती ऐसी टीम है जो अब तक एक भी मैच नहीं जीती है, पिछले 5 में से 5 मैचेस हारी है। लेकिन आज का जो मैच होने वाली है ये है दोस्तों नंबर 4 और नंबर 5 के बीच में। यानी कि अगर बात करेंगे पेशावर के बारे में तो पिछले 4 में से 2 मैचेस जीती हैं, 2 मैचेस हारी हैं, 4 अंकों के साथ नजर आ रही हैं। वहीं इस्लामाबाद की जो टीम है ये पिछले 3 में से केवल 1 मैच जीती है और 2 मैच हारी है। यानी कि दोनों में से देखिए, अगर आज का मुकाबला पेशावर की टीम जीत जाती है तो ये 6 अंकों से सीधा नंबर 2 पे या नंबर 3 पे, डिपेंड करेगा कि इनका नेट रन रेट कैसा जो है सुधरेगा। बाकी अगर इस्लामाबाद की टीम आज जीत जाती है तो ये नंबर 5 से सीधा उछल करके जो है नंबर 3 पर आ जाएगी। देखिए इस्लामाबाद की जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव में है, तो अगर आज जीती तो 4 अंकों से सीधा नंबर 3 पे पहुंच जाएगी। तो दोनों टीमों के पास मौका है जीत करके आगे बढ़ने का। बाकी दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के इस मैच के वेन्यू और पिच के बारे में। तो आपको बता दूं आज का मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से लाइव देखेंगे। यहां की ओवरऑल पिच रिपोर्ट एकदम बैटिंग वाली है, आराम से इस पिच पे 170 प्लस की स्कोर जो है बनाई जा सकती है। साथ ही साथ अगर इस बॉलर्स की बात करेंगे तो इस पिच पे तेज गेंदबाजों को दोस्तों काफी मदद मिलती है, क्योंकि अब तक जितने भी मैचेस इस मैदान पे खेले गए हैं उनमें से 71% विकेट पेसर्स को ही मिली है और 29% विकेट जो है स्पिनर को मिली है। तो अगर आप लोग ड्रीम इलेवन या फैंटेसी टीम्स बना रहे हैं तो अपने टीम में जो है बैट्समैन को और तेज गेंदबाजों को जरूर शामिल कीजिएगा। साथ ही साथ अगर ग्राउंड की स्टैट्स की बात करेंगे तो आपको बता दूं इस ग्राउंड के जो फर्स्ट इनिंग के जो एवरेज स्कोर है ये है 179, बाकी ग्राउंड की सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर 155 है। अब तक की हाईएस्ट टोटल 245 रन है जो कि क्वेटा की टीम मुल्तान के सामने बनाई थी। बाकी इस पिच पे जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उनके जीतने की संभावना 58% है और जो टीम पहले बॉलिंग करती है इनके जीतने की संभावना 42% है। यानी कि दोनों में से आज जो भी टीम टॉस जीतेगी अधिक चांस है कि वो पहले बैटिंग करने का ही फैसला ले सकती है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग के स्कोर भी अच्छा है और जीतने के चांसेस भी काफी बढ़िया रही है। बाकी इस पिच पे देखेंगे, देखिए लास्ट के कुछ मैचेस की अगर बात करें तो देखिए इस सीजन का 8वां मैच, 10वां मुकाबला और 12वां मैच, लास्ट के 3 मैचेस जो इस मैदान पे खेले गए हैं उनमें दोस्तों देखिए जो पिछला मैच खेला गया था यानी कि कल देखिए जो 12th मैच हुआ तो वहां पे देखिए 211 और 203 की स्कोर बनी थी। उससे पहले वाले मैचेस में 175, 176, 138 और 139 के आसपास के स्कोर बने थे। नहीं कि देख सकते हैं आंकड़े बिल्कुल साफ है, पिच बैटिंग वाली है, हाई स्कोरिंग पिच है, आराम से 170 प्लस के स्कोर बनाई जा सकती है। लेकिन एक चीज यहां पर देखने वाली बात यह है कि देखिए अगर बात करेंगे दोस्तों इस 8वें मैच के बारे में तो यहाँ पे पहले बैटिंग वाली टीम 138 बनाई और सेकंड बैटिंग वाली को जीत मिला। उसके बाद इस 10th वाले मैच की बात करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है 175 बनाई और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 176 बना करके जो है यहाँ पे जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद दोस्तों जो कल मैच खेला गया था यहाँ पर, खैर इस वाले मैच में पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है इसको जीत मिला। तो आज देखते हैं आज का मतलब रिजल्ट क्या होगा। बाकी दोस्तों ग्राउंड की वेदर कंडीशंस की बात करेंगे तो ओवरऑल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के रहने वाली है, 1% चांस है बारिश की, बाकी 46% ह्यूमिडिटी रहेगी। आसमान में बादल जरूर है लेकिन शाम का मैच है तो उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो। बाकी हर दिन मतलब लगभग 1-2% का चांस तो रहा ही है बारिश का और अब तक तो पीएसएल में हमें बारिश देखने को नहीं मिला, तो आज भी उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो। बाकी दोस्तों अगर दोनों ही टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो देखिए लास्ट के अगर 5 मैचेस को कंपेयर करेंगे तो पेशावर की जो टीम है ये लास्ट 5 में से 3 मैचेस जो है वो लगातार हारी, लेकिन लास्ट के दोनों मुकाबले लगातार बैक टू बैक जीत करके आ रही है। वहीं इस्लामाबाद की जो टीम है दोस्तों ये लास्ट 5 में से केवल 1 मैच जीती है, बाकी 4 मैचेस लगातार हारी है। यानी कि इस समय पेशावर
बिहार की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन जब बात आती है दोस्तों हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड के मामले में लास्ट के 10 मैचेस में 6 मुकाबले पेशावर की टीम जीती है और 4 मैचेस इस्लामाबाद की टीम जीती है। यानी कि हेड टू हेड के मामले में भी पेशावर की टीम काफी मजबूत है। साथ ही साथ लास्ट जब कुछ मैचेस में आमने सामने थे, जैसे कि अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात कर लें, तो देखिए दोस्तों पिछले सीजन 2023 में 3 मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेला गया था, जिनमें से एक मैच लाहौर के ग्राउंड में खेला गया था, एक मुकाबला रावलपिंडी में और एक मैच कराची में। लेकिन इन तीनों मैचेस में दोस्तों केवल एक मैच में इस्लामाबाद को जीत मिला था, बाकी 2 मैचेस पेशावर की टीम बैक टू बैक विन करी हैं। उससे पहले दोस्तों 2022 में भी 2 बार आमने सामने टकराए थे। उस सीजन में एक बार इस्लामाबाद की टीम जीती और एक बार पेशावर को जीत मिला था। बाकी आज का मुकाबला जो है एक बार फिर से 13th मैच पेशावर और इस्लामाबाद के बीच होगी। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कौन सी टीम बाजी मार पाती, क्या पेशावर की टीम अपना जीत का सिलसिला जारी रखेगी या इस्लामाबाद की टीम वापसी करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। देखिए इसी के साथ दोस्तों अगर आप सभी को ड्रीम इलेवन या फैंटेसी टीम्स के बारे में आपको बता दूं, तो देखिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉप पिक्स रहने वाले हैं वो है जॉर्डन कॉक्स, साथ ही साथ एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो और सादाब खान। इन 4 खिलाड़ियों को आप लोग अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। वहीं पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो बाबर आजम काफी अच्छे विकल्प रहेंगे, साथ ही साथ आगा सलमान, पॉल वॉल्टर और नशीम शाह, ये 4 खिलाड़ी आज बहुत अच्छे विकल्प रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। वहीं पे गेंदबाजों की बात करेंगे दोस्तों तो नवीन उलहक, लियुक उड और सलमान इरशाद, इन 3 गेंदबाजों को आप लोग अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉस और मैच प्रिडिक्शंस के बारे में। तो फिलहाल आपको बता दूं आज के इस मैच में दोस्तों जो टॉस है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है विन करने वाली है। बाकी मैच के प्रिडिक्शन दोस्तों टॉस के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए टॉस इस्लामाबाद की टीम जीत रही है और टॉस के बाद जो कुछ भी होगा उसके हिसाब से मैं मैच के प्रिडिक्शन आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेलीग्राम जाकर के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर छोटे से बड़े अपडेट आपको वहीं पे मिलेंगे। बाकी शाम को सीधा मैच के दौरान दोस्तों आपको मुलाकात होगी, आपसे मुलाकात होगी सीधा टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।